गाइज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से ही शुरू कर रही हूँ। दो तीन दिन से मेरे व्लॉग ऐसे ही जा रहे हैं और मैं पोस्ट भी लेट कर पा रही हूँ। तो गाइज, अभी आई हूँ मैं नहा करके और फिर मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। तो गर्मी इतनी है, एक दिन बारिश होती है बस उसी दिन राहत होती है और फिर गर्मी होने लग जाती है और आज फिर से गर्मी पड़ी हुई है। तो गाइज, और लाइट आ रही है और जा रही है, बस यही रहता है। तो जब लाइट आती रहती है तो सही लगता है और लाइट चली गई है तो बेकार लग रहा है। तो गाइज, मैं बना रही हूँ यहाँ लौकी की सब्जी। तो लौकी को पहले मैंने छीला है, फिर वॉश करके फिर काटा है। तो इसको इस तरह से काटना है, इस तरह इसके पीस करने हैं। तो लौकी अगर ताज़ी है, बिल्कुल फ्रेश, तो ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो लौकी को आप मीडियम साइज़ में ही ख़रीदें, ना तो वो मोटी हो ना वो पतली हो। तो ये थोड़ी मोटी थी इसलिए इसके ज़्यादा बड़े पीस हैं। तो गाइस, लौकी मेरी कट चुकी है और अब मैं लौकी में एक कटोरे में लौकी डाल करके इसमें मैंने डाला है नमक और अब मैंने MDH की देगी मिर्च डाली है। ये तो सब्जी में इसका कलर अच्छा आ जाता है। और अब ये मैंने डाला है बेसन और इसमें डाल दिए हल्दी। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है और इसमें एक नींबू भी डाल लीजिए। तो मैंने डाल लिया था पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। अब ये हो गई है मिक्स। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, वेट करें 10 मिनट का। तो जब तक 10 मिनट हो रहे हैं मैं यहाँ बना रही हूँ अपनी चाय। शाम का समय है ये और मैं अपनी बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो आर्यन के पापा लेट आते हैं तो चाय में मेरी हो जाती है देरी। तो जब तक 10 मिनट हो जाएंगे मैं पी लूँगी अपनी चाय। अब 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने गैस पे रख दिया है तवा और इसमें डाला है मैंने सरसों का तेल और ये है बेसन। तो इस टाइप से इसको बिछा दीजिए। तो जब ये इस इधर से सिक जाए तो पलट दीजिए। तो अब मैं ये डाल रही हूँ तवे पर। और जब ये इस इधर सिक जाए तो पलटते रहिए। देखो हाथ ना जले, तो मैंने ले लिया है यहाँ चिमटा, तो आप भी चिमटे की सहायता से पलट सकते हैं। तो अब मेरे ये सिक चुके हैं। अब गैस पे रखा है मैंने कुकर और इसमें डाला है मैंने सरसों का तेल और अब मैं डालूँगी जीरा। फिर इसमें डालना है लहसुन और अदरक। मैंने अदरक को घिया कस से कस लिया था क्योंकि मिक्सी में इतना सा अदरक पिस नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने इसमें अदरक कर लिया था। और अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर। तो टमाटर को अच्छी तरह चला लें। और ये डाला है मैंने नमक, मिर्च और हल्दी और ये है जीरा पाउडर, गरम मसाला, ये है वही MDH की देगी मिर्च। तो ये सब डाल लीजिए और सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डालें पहले। तो मैंने उसी कटोरे में पानी डाल के इसमें डाल दिया है और आपको डालनी है भर भर के 3 या 4 चम्मच दही। तो दही डाल दिए मैंने यहाँ पर। दही को अच्छी तरह चलाते रहें ताकि दही ना फटे। तो जब चलाते रहते हैं तो दही नहीं फटती है और दही डालने से सब्जी और भी टेस्टी हो जाती है। तो एक बार आप ज़रूर बनाएं। जो भी लौकी नहीं खाता है वो भी लौकी को बहुत मन से खाएगा। तो आप लौकी एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो जब मसाला जो है तेल छोड़ने लगे तो तभी इसमें डाल दीजिए एक एक करके लौकी। तो जिस तरह से मैं डाल ली हूँ। और ये सब्जी कुकर में ही बनाएं क्योंकि कुकर में सही बन जाएगी ये सब्जी। और पानी सिर्फ आधा कप ही डालें। मैंने यहाँ आधा कप पानी डाला है और मैं यहाँ लगा दूंगी कुकर का ढक्कन और एक सीटी में ही मेरी ये सब्जी बन जाएगी। क्योंकि तवे पर कर रही थी तो आधी तो तभी बन गई थी।
तो अब मेरी यहाँ बन गई है सब्जी। और सब्जी के ऊपर अगर आप एक चमचा देसी घी डाल दें या दो चम्मच डाल दें, ये मेरे चमचे से छोटा है और चमची से बड़ा है, तो मैंने ये एक डाल दिया है भर के, तो केवल एक चम्मच ही डाल दें और इससे सब्जी में और भी स्वाद बन जाएगा। का नाम है रेखा, मेरा नाम है अनुज। तुम्हें बताना होगा नाम किसका अच्छा है, लेकिन एक का नाम बताना है, एक का नहीं, नहीं नहीं, एक का नाम बताओ। अच्छा तो एक का ही होता है ना, अगर आपको बता दूंगी तो नाची गुस्सा हो जाएंगी, अगर इनका बता दूंगी तो आप गुस्सा। नहीं, गोनू गुस्सा नहीं होंगे। बताओ, मेरा नाम अच्छा है। ये गुस्सा हो रही है। होने तो तुम्हें क्या है, क्यों तुमने कहा था दोनों ही अच्छे हैं। नहीं, अब तो हो गया, हमें जीत गया अब तो। मेरा नाम अच्छा है और मौसी का नाम भी अच्छा है। नहीं, आज तो खराब है। ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही हो गया अब तो, तुमने कह दिया। नहीं 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 नहीं, हो गया। नहीं हो गया अब तो। मौजी मुझे प्यार करती है तो मौजा भी। नहीं हो गया अब तो, नाम तो मेरा अच्छा है। देखो, मैंने कहा था अगर मैं मौजी को कहूंगी तो आप गुस्सा हो जाएगा, अगर मैं आपको कहूंगी तो मौजी गुस्सा हो जाएगी। तो तुमने ऐसे बताओ मौजी अच्छी है या मैं गोलू। नहीं तो आपसे बताओ मेरे से आप कौन अच्छा है। गोलू। अरे नहीं, सब गोलू ही बताते रहोगे, ये बताओ साइमन की तो रब बात रहेगी, तो बात तो बता दूं साइमन से कौन अच्छा है, मैं या भैया। साइमन भैया तुम अच्छी हो गोलू। और आर्यन भैया से कौन अच्छा है। गोलू। सब गोलू ने बताना है, एक एक को बताना है, गोलू को नहीं, आर्यन को साइमन को बताना है, बस एक बार बताना। तो आर्यन अच्छा है, साइमन भी अच्छा है और गोलू बेकार है। नहीं, तुमने से दोनों बताया था ना, तो बोल गई। मुझे पता है तू बात काट रही है। मैं मुझसे बात नहीं करती साइमन से, आर्यन से बात नहीं करूंगी अब। हाँ मत करियो पर। तुझे पता है वो साइमन है, जब भी भोड़म कितनी देर सबूत।
अरे बाल तो छोड़ दे, बड़े अच्छे बाल है। गोलू तुझे पता है वो साइमन है? जब भी तुझे पता है साइमन है, पता है? तब भी डर रही है। इसे डर रही है हथियार से। हाँ भैया कमाल कर दिया लड़की ने। रहने दे, ले ले ले, ये ले ले ले, पकड़ ले। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।